सो लास्ट वीडियो में देखा था हमने डू व्हाइल कैसे वर्क करता है। अब एक लास्ट जो लूप बचा हुआ है दैट इज फॉर लूप, जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है। फॉर लूप ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। जो कुछ भी हम व्हाइल लूप में लिखते थे वो सारी की सारी चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, और वो भी इतने आसानी से। आपको सिर्फ इनिशियलाइजेशन करना है तो आप इनिशियलाइजेशन उसी लाइन में कीजिए। सी लैंग्वेज के केस में आपको इनिशियलाइजेशन अलग करना पड़ता था, एटलीस्ट डिक्लेरेशन अलग करना पड़ता था। यहाँ पर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन आप फॉर लूप के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको कॉमा भी मिल जाता है वहाँ पर, जिससे कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज करके यूज कर सकते हो, फाइन। सो हम एक सिंपल से एग्जांपल के साथ देखते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है इन जावा। सो लेट्स जस्ट क्लोज द प्रीवियस प्रोग्राम। यहाँ पर लिखते हैं 7th नंबर का फॉर लूप डॉट जावा, क्लास फॉर लूप डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args, एंड यहाँ पर आते हैं लेट्स से इंटीजर नम इक्वल्स टू 5। माय टारगेट इज टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5 बाय यूजिंग फॉर लूप। व्हाइल लूप का आपको पता ही है कि कैसे वर्क करता है, लेकिन इन दिस केस आई नीड टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग फॉर लूप। तो मुझे क्या करना है, एक आई वेरिएबल लगेगा। सो मैं सिंपली यहाँ पर इटरेटर आई वेरिएबल स्टार्ट कर देता हूँ आई इक्वल्स टू 1 से। आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक वो चलना चाहिए, क्योंकि टेबल मुझे 5 into 1 से लेकर 5 into 10 तक टेबल प्रिंट करना है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह पर मुझे इंक्रीमेंट ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अंदर लेस देन यूज़ किया हुआ है। ओके, अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है 10 टाइम्स उसका टेबल, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सबसे पहले मैं हार्ड कोडेड वैल्यू प्रिंट करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, 5 into 1 इक्वल्स टू 5, ऐसा आउटपुट चाहिए। सो आई जस्ट सिंपली डू दिस, एस्केप कोलन w। यहाँ पर आने के बाद इसको कर देते हैं ओम ddd जावा सी एंड कंपाइल। सो कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आया, ls-lrth लेटेस्ट फाइल मेरी बन रही है फॉर लूप डेमो। सो जावा स्पेस फॉर लूप डेमो, एंड जैसे एंटर करता हूँ यू कैन सी द आउटपुट 5 into 1 इक्वल्स टू 5, और ये 10 टाइम्स आ रहा है। सो अब मुझे उसको क्या करना है, डायनेमिकली कन्वर्ट करना है। आपके सी लैंग्वेज के केस में काफ़ी अच्छा था, परसेंटेज डी लिख दिया, परसेंटेज डी लिख दिया, और परसेंटेज डी आगे चल के आपको नम कॉमा आई कॉमा नम इंटू आई कर देते थे। यहाँ पर अभी कॉन्कैटेनेशन करना है, क्योंकि आपको प्लस सिंबल यहाँ पर कॉन्कैटेनेशन के लिए दिया हुआ है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर नम वैल्यू दिखानी है, ठीक है। सो नम एंड कॉन्कैटेनेशन सिंबल इज प्लस, फिर बाद में मुझे यहाँ पर इंटरनल जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आई। सो मेरा स्ट्रिंग किससे चालू किया है मैंने, डबल कोट से, तो यहाँ पर दो बार डबल कोट एंड देन कॉन्कैटेनेशन सिंबल इज प्लस, सो दो बार प्लस एंड देन आई की वैल्यू। थर्ड वन जो डायनेमिक वैल्यू आनी चाहिए उसमें मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। तो कॉन्कैटेनेशन सिंबल क्या है, प्लस एंड नम इंटू आई, सो दैट्स हाउ इट विल गिव मी डायनेमिक आउटपुट। अब इसको फिर से कंपाइल कर देते हैं जावा सी स्पेस फाइल का नाम एंड रन करते हैं, सो यू कैन सी द परफेक्ट आउटपुट अवेलेबल। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज फॉर लूप। और जैसा कि मैंने कहा, आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही जगह पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे 5 का टेबल चाहिए और साथ ही साथ 5 का रिवर्स ऑर्डर में भी टेबल चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अनदर वेरिएबल, लेट्स से j इक्वल्स टू, इसको मुझे 10 से स्टार्ट करना है, ओके, एंड यहाँ पर करना है j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, ओके, देन j माइनस माइनस। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि ये आउटपुट क्या दे रहा है, ओके कोई अगर एरर आएगा तो हम उसको चेक कर लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर देते हैं j की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ओके। सो हर एक टेबल की वैल्यू के साथ साथ हम j की वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर w
Java C. So it is giving me error. So why it is giving me error? Because यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर कॉमा के बाद मैंने इंटीजर j नहीं दिया, इसलिए no, it should not be like that. So j minus minus is the correct thing. इसके colon w. यहाँ पर देखते हैं कि ये compilation error comma expected semicolon and I think it's in Java it is giving me error, but in C language it should work fine. So multiple अगर मैं देता हूँ so नहीं, ये तो बिल्कुल ही work नहीं करेगा क्योंकि आप कॉमा के बाद ये दे ही नहीं सकते. सो इंटीजर जे इक्वल्स टू, वी कैन लुक इन टू दैट लेटर. हम थोड़ा गूगल करके चेक करेंगे इसको कि मल्टीपल वेरिएबल्स इन फॉर लूप जावा. ओके, सो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. सो सी प्लस प्लस का दिया हुआ है फॉर लूप इन जावा मल्टीपल वेरिएबल इन लूप. So I equals to some things semicolon fine. So यहाँ पर भी अगर मैंने यही use किया escape colon w and just j की value print करके देखते हैं. So it is not giving me any error. के साथ वो वर्क कर रहे हैं. अब यहाँ पर कंडीशन डाल के देखते हैं, कंडीशन डाल के देखते हैं j is greater than or equals to 1. सो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि हमें एंड यूज करना चाहिए या दूसरा को. सो इट इज सेइंग मी कि यहाँ पर अगेन एक कॉमा यूज नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ ampersand escape colon w and इसको करते हैं compile. So now it is compiling. इसको run करके देखते हैं तो run time भी कोई error नहीं दे रहा है. And the third and final thing what we need to use, we need to decrement the value of j. ठीक है, so escape colon w and यहाँ पर आने के बाद compile कर दिया इसको करें, इसकी value फिर decrement भी हो रही है और मैं अब साथ ही साथ इसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ विद दिस स्टेटमेंट ओनली, मतलब इस स्टेटमेंट के साथ साथ उसको प्रिंट करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर देता हूँ इस चीज़ को. फाइन, इस चीज़ को कॉन्केटिनेट कर देता हूँ. और सेकंड थिंग यू कैन डू कि इसको प्रिंट में रख दो और नेक्स्ट वाली लाइन प्रिंट एलन में डाल दो, दैट वुड बी बेटर. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेम चीज़ें, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है एक स्पेस के साथ, फिर प्लस देकर नम, प्लस देकर सिंबल मल्टीप्लाइड का, फिर प्लस देकर कॉन्केटेनेशन सिंबल इज नाउ जे. ओके, एंड प्लस देकर एक्स स्पेस एंड इक्वल्स देन प्लस देकर नम इनटू जे, इन दैट केस जे escape colon w. यहाँ पर आके करते हैं इसको compile. So compiled successfully and you can see ये एक ascending order में output दे रहा है, second one is in descending order. So that's how you can use both the variables at the same time in single for loop. So इस video के लिए इतना ही, next video में देखेंगे कि for each कैसे work करता है, जो कि enhanced for loop भी बोलते हैं इसको Java के अंदर. सो उसको हम एक एरे के एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे एंड देन वी विल सी द फंक्शंस एज वेल. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ. अगर आपको फॉर लूप में कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं. एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़. थैंक यू.